आदर करते हैं और सम्मान करते हैं। यहाँ पे जो विभूतियां आई हैं, इन्होंने एक एक विभूतियों ने एक एक बड़े से बड़े कार्य को अंजाम देने के लिए सहकार सहयोग दिया है और देते रहेंगे। भारत माता की जय। आइए हम भारत माता की संतान आज इस महान कार्य में जिन्होंने भी सहयोग किया है उन महानुभावों का भी अभिवादन स्वागत सत्कार किया भाव से एक बार उन सभी के लिए ताली बजाते हुए स्वागत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए परम पूज्य गुरुदेव के बारे में हम कुछ झरमर जैसी वर्षा होती है वैसा कुछ हमने पाने का प्रयत्न किया क्योंकि वह विराट सत्ता है। उस महान सत्ता के बारे में हम क्या बता सकते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा प्रयास इसलिए किया गया है कि रसगुल्ला अगर हमें कोई देता है तो हमें थोड़ा सा मिलता है। कैसा है, चख तो लो, अगर चखेंगे तो फिर वो ज़्यादा हम लेंगे, है ना? हमें अच्छा लगेगा तो हम ज़्यादा लेंगे। उसी तरह हमने तो सिर्फ आपको चखाया है, अगर आपके भीतर में दिलचस्पी बराबर ही लगने लगे, जिज्ञासा कुछ और बढ़ने लगे तो आप हमारे गुरुदेव के जीवन दर्शन का एक बहुत पहला नंबर का वांग्मय है उसको उठा के पढ़ लेना। छोटी सी पुस्तक है हमारे गुरुदेव आराध्य देव, या फिर हमारे बिल और वसीयत। उस पुस्तक में परम पूज्य गुरुदेव के पूरा जीवन चरित्र मिला हुआ है। परम पूज्य गुरुदेव को जीवन में कई बार अपनी गुरुसत्ता हिमालय से बुलाती थी और समय समय पर साधना करवाती थी। तब उन्होंने ये घोषणा की कि अब युग परिवर्तन सुनिश्चित होकर ही रहेगा। ये अगर कोई कह सकता है तो स्वयं कोई अवतार कह सकता है। इसलिए आज हम इस बात को हृदय से हृदयंगम करें कि हमारे गुरुदेव स्वयं भगवान बनकर हमें ऊपर उठाने के लिए आए। अंतःकरण इसलिए तो आज कह रहा है स्वयं भगवान हमारे गुरु परम सौभाग्य हमारा है। स्वयं भगवान हमारे गुरु परम सौभाग्य हमारा है।
जी गुरुदेव की जय। गुरु सत्ता स्वयं भगवान बनकर आए हैं, हमारा एक परम सौभाग्य है। हमें ललकार कर बताया गया कि हम शिष्य की भांति अपना कर्तव्य निभाए। शिष्य कैसा होना चाहिए, हमें अपना कर्तव्य क्या अदा करना है, इस बात को हम आगे के क्रम में देखेंगे। परम पूज्य गुरुदेव ने बिल्कुल शांति रखे, ध्यान यहाँ पर रखे। युग निर्माण की जो घोषणा की, बहुत छोटा सा सूत्र दिया। आप मैथ्स पढ़ते हैं ना, जो छोटे छोटे सूत्र से कितना बड़ा दाखला बिठा देते हैं ना, हैं? छोटे से सूत्र से। ऐसे ही हमारे गुरुदेव ने छोटा सा सूत्र दिया पूरे जीवन का दाखला बिठाने के लिए, और वह सूत्र दिया है आपको पीछे से दोहराना है। हम कहेंगे, जो हम बोलेंगे पीछे आपको बोलना है, युग बदलेगा, आपको बोलना है हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम बदलेंगे युग बदलेगा, आपको बोलना है युग सुधरेगा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। छोटा सा सूत्र दिया इस युग परिवर्तन में, हम बदलेंगे तो युग बदलेगा, हम सुधरेंगे तो किसको बदलना है, स्वयं को। स्वयं का निर्माण अगर हम कर सकेंगे तो पूरा युग का निर्माण हो जाएगा, है? हमको स्वयं को बदलना है। हम क्या करते हैं, अरे मैं तो ये करना चाहती थी लेकिन उसने ये नहीं किया, वो नहीं किया, दूसरे पर जो कुछ है दोष दूसरे पर, है? हम अपना दोष नहीं ढूंढते हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने बहुत सरल से हमारे सुधार के लिए इतना अच्छा सूत्र दे दिया, अरे किसी की और मत देखो, हम बदलेंगे, मुझे बदलना है, मुझे सुधरना है। अगर हर एक व्यक्ति ऐसा सोचने लगेंगे कि मुझे ही सुधरना है, मुझे ही बदलना है, तो पूरा युग बदल जाएगा, पूरा युग सुधर जाएगा। इस सूत्र से पूरे युग के निर्माण की परम पूज्य गुरुदेव ने नींव रखी। आइए इन सूत्र को ही अब हम बार बार दोहराएंगे, और अपने अर्ध जागृत जो मन है, सब कॉन्शियस जो मन है, उसको हमें बताना है कि हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे। बस ये बात बार बार हमें अपने अर्ध जागृत मन को बताना है, ताकि हम बदलने के लिए भीतर से तैयार हो सकेंगे, हम भीतर से तैयार हो सकेंगे। आज हमारा एडमिशन हुआ है, लेकिन किस में हुआ है, नर्सरी में हुआ है। आज अपना एडमिशन हुआ है, नर्सरी में हुआ है। आज हमारी पहली शिविर है, पहली शिविर जिनकी भी है, कई बहन बच्चियां हमारी है बैठी है जो हर एक शिविर, कोई भी शिविर मिस नहीं करती है, ऐसी भी है हमारी कई बेटियां है। लेकिन जो पहली बार आई है वो, उसका एडमिशन किस में है, नर्सरी में है। तो नर्सरी में तो थोड़ा थोड़ा सा ही बताया जाता है, थोड़ा थोड़ा सा ही सिखाया जाता है, फिर तो खाना पीना ज़्यादा देना पड़ता है नर्सरी वालों को। तो इसलिए हमारे मनु भाई ने भी ऐसा ही योजना बना दी कि उसको खिलाओ पिलाओ। अरे मैं तो सो गई थी रात को, आपको आइसक्रीम भी मिली थी, वाह भाई। दो दो भी खा ली, अरे वाह। लेकिन ध्यान रखना है, ध्यान रखना भाई, ये हम शिविर में भी बैठ सके उतना खाना पीना ज़्यादा नहीं, आपको जितना चाहिए उतना मिलेगा तो सही, लेकिन हमें अपना भी ख्याल रखना है ना। तो आइए, आज पहले दिन की पहली बैठक में हमारे गुरुदेव को हमने थोड़ा सा जानने का प्रयास किया। वो तो बहुत विराट और विरल तत्व हैं, उनको जानने समझने के लिए कई जन्म लेंगे तो भी हम नहीं समझ पाएंगे, लेकिन फिर भी छोटा छोटा
हम नर्सरी में हैं, इसलिए हम थोड़ा सा भी कुछ जाने समझे और उससे आगे बढ़ने का प्रयत्न करेंगे। आज हमारे कई सारे महानुभाव इस शिविर में आपके दर्शन के लिए, आप सारी दुर्गा शक्ति के दर्शन के लिए और आपकी सहायता के लिए, और आप आगे बढ़े, उज्जवल भविष्य की ओर चले, इसलिए उन्होंने अपना कुछ ना कुछ योगदान दिया है। आज हमारी आशा दीदी भी हमें कुछ दो शब्द कहेगी, हमें भी कुछ वो उनके बोल सुनने को मिलेंगे। तो हमारी आशा दीदी आए और यहाँ पीछे ही मुझे हाथ में माइक दे दिया है, तो मैं यहीं बैठ के ही बात करूँगी। आप सब तो मेरे सामने है ही, बिल्कुल सब अच्छी तरह से दिखाई दे रहा है। वास्तव में इतना सुंदर रश्मि बहन का चल रहा था मार्गदर्शन का काम, मैं आपको डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं करना चाहती थी, लेकिन कन्या कौशल्य शिविर इस नाम से ही मुझे इतनी प्रसन्नता हुई और मैं थोड़ा सोच में पड़ गई। जब कुछ महीनों पहले मुझे जानकारी मिली थी तो मैंने कहा ये कैसे करेंगे ये लोग, कन्याओं को कुशल बनाने का काम किस तरह से सिद्ध होगा। आज से बरसों पहले की बात है, हमारे गुरुदेव और वंदनीय माता जी, उन्होंने एक एक साल के कन्याओं के शिविर लगाए थे। एक साल तक वो बच्चियाँ शांति कुंज में रहती थी गुरुदेव और माता जी के मार्गदर्शन में, और अद्भुत ढंग से वो सारी बच्चियाँ प्रशिक्षित हुई थी। उनको उनमें ढेरों शानदार परिवर्तन आए, कहाँ से कहाँ पहुँच गई वो लड़कियाँ, और वो सारा मेरी नज़र में था। तो मैंने सोचा कि यहाँ चार पांच दिन में क्या कराएंगे और कौन कराएगा, और इसीलिए मैं सोच रही थी कि व्यर्थ में ही यह ऐसा कार्यक्रम क्यों कर रहे हैं। पर जब रश्मि बहन का नाम सुना तो मैंने कहा हाँ, अब सोचा जा सकता है, जरूर से कन्या कौशल शिविर जरूर सफल होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि मार्गदर्शन देने वाला तपस्वी होना चाहिए, साधक होना चाहिए और समर्पित होना चाहिए, और ये मैंने देखा। और मैं मनु भाई का भी बहुत धन्यवाद करती हूँ, हृदय से उनका धन्यवाद करती हूँ। एक तो उन्होंने मुझे यहाँ अवसर दिया बोलने का, और दूसरा ये कि उन्होंने ये कार्यक्रम इतना अच्छा सुव्यवस्थित कार्यक्रम उन्होंने तैयार किया, इतना शानदार कार्यक्रम तैयार किया। आप मुझे बतलाइए, आज तक कभी आपने इस तरह के किसी शिविर का नाम सुना है? कन्या कौशल शिविर क्यों चाहिए भाई? कन्याओं को कुशल बनाने की क्या आवश्यकता है? लड़कों को भी तो बनाना चाहिए ना, लड़कियों के ही पीछे क्यों पड़े हैं? सही है ना? तो मैं आपको बतलाना चाहती हूँ कि कन्याओं को क्यों कुशल बनाना है, वो एक थोड़ी सी मेरे अनुभव से आपको जानकारी दे देती हूँ। कन्याओं को कुशल इसलिए बनाना जरूरी है, जरूरी नहीं है, अनिवार्य है, क्योंकि इस समाज में आधी जनसंख्या स्त्रियों की है और आधी पुरुषों की है, बराबर। अब उसमें वो जो आधी स्त्रियों की जनसंख्या है वो भी ऐसी है कि बाकी की आधी जनसंख्या को जन्म देने का, सुधारने का, उसको परवरिश करने का, उसको संस्कारित करने का, वो सारा काम वो महिलाओं की जनसंख्या करती, स्त्रियां ही करती है। माँ ही तो बच्चों का लालन पालन करती है ना। तो इसलिए जिस समाज में यदि स्त्रियां सही हो, स्त्रियां यदि शानदार है, व्यक्तित्व संपन्न है, तेजस्वी है, प्रखर है, जिस समाज की स्त्रियां, वो समाज हमेशा आगे बढ़ेगा, वो पीछे नहीं रह सकता। और आप वैसे भी दुनिया में नजर डाल के देख लीजिए, जहां स्त्रियों का तिरस्कार किया जाता है, जहां स्त्रियों को दो नंबर का नागरिक समझा जाता है, उनको अपमानित किया जाता है, उनको प्रताड़ित किया जाता है, वो सारे पिछड़े हुए लोगों में गिने जाते हैं, सब बैकवर्ड है, वो कहीं उनकी प्रगति नहीं। और जिन समाजों में स्त्रियों को बराबरी का सम्मान दिया जाता है, बराबरी की भी बात मैं नहीं कहूँगी, स्त्रियों को बराबरी नहीं बल्कि पुरुषों से श्रेष्ठ कहना पड़ेगा, वो श्रेष्ठ इसलिए कहना पड़ेगा शरीर बल से नहीं, शरीर बल में तो स्त्रियां पुरुषों की तुलना में कमजोर पड़ जाती है थोड़ी, लेकिन जो मनोबल है, जो भावनात्मक बल है, उसमें स्त्रियों की बराबरी कोई नहीं कर सकता है। एक कोई पिता अगर गुजर जाए तो माँ अकेली भी अपने बच्चों का लालन पालन भी कर लेती है, पढ़ा लिखा भी लेती है, सब कुछ कर लेती है,
पर यदि स्त्री मर जाए तो पुरुष अकेला बच्चों का लालन पालन नहीं कर पाता, सभी सामान्य सी बात है। और इसलिए कन्याओं को ये कन्या कौशल्य का प्रशिक्षण देना बहुत काम की चीज़ है, बहुत शानदार कार्यक्रम हुआ है ये, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं इतनी खुश हो गई जब मैंने गहराई से इस विषय में चिंतन किया, और जब मैंने रश्मि बहन का नाम सुना तो मैंने कहा चलो पार उतर गया, अब कोई चिंता की बात ही नहीं है। नहीं तो मैं सोच ही रही थी कि अरे क्या सिखाएंगे बच्चियों को, और दो चार दिन में सिखा के क्या उपजेगा उसमें से। वहाँ गुरुदेव के वहाँ तो साल साल भर तक वो लड़कियाँ रहती थी, उनके तपोबल का अंश उनको मिलता था, लेकिन यहाँ गुरुदेव की कृपा तो है ही, अब उसी वजह से यहाँ आए हैं। आगे पूरा विश्व जबरदस्त परिवर्तन के क्षेत्र में पड़ा हुआ है, जबर तेजी से परिवर्तन हो रहा है, और उसमें स्त्रियाँ विशेष काम करेगी, और वही स्त्रियाँ काम कर सकती है जो आत्मबल और मनोबल संपन्न है, और उसके लिए ये शिविर बहुत काम का है। ये चार पाँच दिनों में आपका बीजारोपण होगा आपके भीतर में उन दिव्य तत्वों का, जिनको धीरे 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 आप विकसित करते चले जाएंगे। आपको कोई प्रयास भी नहीं करना पड़ेगा, ये भी मैं आपको बतला देती हूँ। गुरुदेव खुद ही ध्यान रखते हैं, आपको ऐसी दिशा धारा देंगे कि आप अपने आप कहीं गलत दिशा में जा रहे होंगे तो खींच के आपको सही दिशा में ले आएंगे। और इसलिए आप बहुत सौभाग्यशाली है, आप कोई पूर्व पुण्य है आपके, जिसकी वजह से आप सब बच्चियाँ यहाँ शिविर में आई हुई है। और एक और छोटी सी बात कहूँगी, रश्मि बहन मुझे क्षमा करेंगी कि मैं उनका समय ले रही हूँ, पर और दो तीन बड़ी अच्छी अच्छी बातें हैं जो मैं बताना चाहती हूँ। एक तो रश्मि बहन ने जो कहा कि स्वयं भगवान हमारे गुरु, ये जो बात है ये फैक्ट है, तथ्य है, सिर्फ गाने के लिए नहीं है, ये शत प्रतिशत सत्य है कि श्री राम वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ये भगवान का अवतार है, साक्षात सूर्य रूप है। और इसकी अनुभूति जब मैंने उनको देखा भी नहीं था, मैंने गायत्री परिवार का नाम भी नहीं सुना था, तब उसकी अनुभूति मुझे हुई थी। और बाद में जब मैं गायत्री परिवार में जुड़ी और शांति कुंज के और अन्य भाइयों के सामने जब मैंने अपनी अनुभूतियों का जिक्र किया, तो उन लोगों ने कहा कि आपको जो अनुभूति हुई है वो पूरे गायत्री परिवार में चार महिलाओं को हुई है। और मैं सोचा अरे मैं नसीबदार हूँ, उन चार में से एक मैं भी हूँ। अब वो मेरी क्या अनुभूति थी भाई मैं आपको बतलाती हूँ। ऐसा हुआ था, मैं करीब 23-24 साल की आयु रही होगी मेरी, मेरे विवाह के लिए माता पिता तो सभी बच्चियों के विवाह के लिए प्रयत्नशील ही रहते हैं, तो मेरे विवाह के लिए प्रयत्नशील थे, और मैं छुटपन से ही आध्यात्मिक वृत्ति वाली ही थी, बड़ी धार्मिक ऐसी बहुत भावनाशील थी। तो माता पिता को भी बड़ी चिंता लगी रहती थी पिता को कि भाई ऐसा स्थान ढूंढा जाए इसके लिए कि जिससे इसको कोई परेशानी नहीं हो, नहीं तो ये घर छोड़ के और सन्यासी बन जाएगी, हमेशा मेरे पिता को ये भय लगा रहता था। तो उस समय मैं भी उत्सुक रहती, शादी से मुझे कोई विरोध नहीं था, लेकिन जो दिखता था वो मुझे पसंद नहीं आता था कि भाई इससे कौन शादी करे, ऐसी शादी थोड़ी करनी है अपने को, सिर्फ बच्चे पैदा करना, जैसे तैसे खा कमा के जिंदगी पूरी करना, उसमें क्या रखा है, कुछ शानदार काम किया जाए। मेरी महत्वाकांक्षा ये थी कि कोई बहुत उच्च कोटि का आध्यात्मिक तपस्वी, कोई सिद्ध ऐसा कोई हो, ऐसा कोई मिले तो सोचेंगे। मुझे वसंत पंचमी के दिन ब्राह्म मुहूर्त में एक ठीक 4 बजे स्वप्न दिखाई दिया। अच्छा, उस समय मैं गायत्री परिवार से मतलब गायत्री उपासना वगैरह करती थी और अखंड ज्योति पढ़ती थी, तो मेरे मन में ये धारणा थी, मुझे बहुत आदर था गुरुदेव के लिए कि ये श्रीराम शर्मा आचार्य जी से एक बार जरूर मिलेंगे जीवन में, इतने अच्छे ये लेख लिखते हैं तो एक बार इनके दर्शन जरूर करेंगे। और मेरा ये संकल्प जब भी रहता था तो मुझे स्वप्न में भी दृश्य दिखाई दे जाते थे, तो मैंने मन में संकल्प किया हुआ था कि आज वसंत पंचमी है, आज श्रीराम शर्मा आचार्य जी के दर्शन मुझे जरूर हो गए। और सुबह सुबह 4 बजे मुझे जो दृश्य दिखाई दिया उसमें हिमालय का बर्फाच्छादित शिखर था, उसके ऊपर केशरी वस्त्रों में सज्ज एक तपस्वी बैठा हुआ था, अत्यंत तेजस्वी, उसके चेहरे से इतना तेज निकल रहा था, मैं अवाक उसको देख रही हूँ कि ये कौन है। फिर मैं उसको देखकर सोचती हूँ कि अरे ये तो अश्विनी कुमार जैसा है। उसके बाद में
अखंड ज्योति में धारावाही रूप से लेख आए थे और उसमें कई सारे भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणियां थी, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि वो जो अवतार होगा वो अश्विनी कुमार जैसा होगा। मुझे मेरा सपना याद आया, अब सपना तो मुझे दिखा, उसका उस किताब से क्या लेना देना, मैंने तो उस समय पढ़ी भी नहीं थी। और तब जब वो अखंड ज्योति में पढ़ा, मैं अवाक रह गई। मैंने कहा अरे ये भगवान का अवतार है। कई दिनों तक तो मैं बहुत बेचैन रही और फिर धीरे धीरे आज तो वो बात पूरी तरह से इस शरीर के कण कण में उतर चुकी है, रम चुकी है। अभी तो मेरे पास तो भंडार भरा हुआ है ये सब बातों का, लेकिन एक बात मैं आपसे करूँगी कि आप अपना आत्मगौरव हमेशा जागृत रखना, और आत्मगौरव जागृत रखना है तो गायत्री उपासना और महामृत्युंजय मंत्र की उपासना, इन दोनों को हमेशा पकड़ के रखना, इनको कभी मत छोड़ना, इनसे आत्मशक्ति बढ़ती है। और अभी मेरा काम बात पूरी करते करते एक और छोटी सी मनोरंजक बात और बतला देती हूँ आपको, वो वंदनीय माता जी से संबंधित है। मैं 73 में पहली बार शांति कुंज गई थी, उसी समय अपना जीवन मैंने गुरुदेव को समर्पित किया था। उसके बाद फिर मैंने विवाह भी नहीं किया, मैंने कहा गुरुदेव सब कुछ अब आपकी शरण में है, अब मुझे और कोई काम नहीं करना है, ना गृहस्थ बनना है ना कुछ और करना है, जो आप कहेंगे वो हम करेंगे। तो उसके बाद से मेरा आना जाना लगा रहता था शांति कुंज। उसके पहले जब गायत्री परिवार में नहीं जुड़ी थी, मुझे कुकिंग वगैरह के भी बड़ा शौक था और कुकिंग की मैं बड़ी एक्सपर्ट थी, और उस ज़माने में जो नए नए स्टाइल की सब चीज़ें आती थी तो उनको मैं बहुत मतलब बहुत जानकारियाँ रहती थी मुझे। तो ऐसे ही मार्केट में ख़रीदी करने गई तो कुछ ऐसे टिन की कुछ चीज़ें ऐसी दिखी, लोहे के तार में ऐसे कुछ अच्छी अच्छे से कुछ ऐसे आकृतियों के, वो लोहे के वो गुजराती में जिसको बीबा कहते हैं वो ऐसे लटके हुए उसमें। मैंने कहा चलो इसी को ले लेते हैं, मैंने सोचा चलो माता जी के वहाँ देंगे इसको, देखे तो सही माता जी को इसमें कुछ समझ में आता है कि नहीं, क्योंकि हमको अपनी पढ़ाई लिखाई का बड़ा अहंकार था। अरे हमारे पास तो इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियाँ है, उस ज़माने में एम ए एल एल भी बहुत बड़ी बात थी एक महिला के लिए, और माता जी तो शायद चौथी पाँचवीं पढ़ी होगी बेचारी। तो हम सोचते थे कि अरे माता जी से तो हम ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। अब हमने ले जाके वहाँ वो अनजाने में ही वो चीज़ें दे दी, हमने सोचा कि हमारी भी ठीक से समझ में नहीं आ रहा है तो इनकी तो क्या समझ में आएगा। उस समय वो लड़कियाँ वहाँ पर प्रशिक्षण ले रही थी साल 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 भर के लिए। थोड़े समय बाद में कुछ महीनों बाद वहाँ की वो प्रशिक्षित एक लड़की, उसकी शादी बम्बई में हुई, और उसने मुझे बुलाया कि दीदी मेरे घर पर आना मिलने के लिए, यहाँ कुछ प्रचार का काम करेंगे। हम उसके वहाँ पहुँचे, उसने हमें नाश्ता एक प्लेट में दिया, इतने सुंदर ढंग से उसने सजा के दिया था, और मेरे समझ में नहीं आया कि एक ऐसी बेसन की तली हुई ऐसी कटोरी सी थी बड़ी डिज़ाइनदार, उसमें और कुछ रख के दिया। मैंने कहा अरे ये क्या चीज़ है भाई, कहाँ से? अरे बोले दीदी ये शांति कुंज से मिला है मुझे। उसने वही मैंने जो माता जी को दिया था वो तार में लटकते हुए वो एक एक डिज़ाइन के वो बीबे, वो उसने मुझे दिखाया, ये माता जी ने दिया था, ये इसको बेसन में लपेट के और कढ़ाई में रख दो तो पूरी वो उस डिज़ाइन की कटोरी निकल के आ जाती है, और उसमें जो रखना हो रख लो। और वो मेरी समझ में आया कि डिग्रियां अपनी जगह पर है, पढ़ना ज़रूरी है, नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन अपने आप में डिग्रियां अकेली किसी काम की नहीं है। भीतर वाले को जागृत कीजिए, भीतर की शक्तियाँ जागृत होगी अब शानदार बन जाएंगे। अब मेरी बात मैं यहीं विराम दूंगी और रश्मि बहन आगे चलाएंगे। अभी और 4 दिन तक आपको इनका मार्गदर्शन लेना ही है, आपको जो भी कहा जाए ये रश्मि बहन का बोला हुआ मत समझना, आप ये मानकर चलना कि इनके माध्यम से गुरुदेव आपको मार्गदर्शन दे रहे हैं, बस इतनी मेरी बात को ध्यान में रखना। अब यही मेरी बात समाप्त। सभी अतिथियों से निवेदन है कि मंच से उतर कर कार्यालय की तरफ प्रस्थान करें, धन्यवाद। दीदी कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। बोले भारत माता की जय, भारतीय संस्कृति की जय। अब हमारी आशा दीदी ने बहुत अच्छी अपने जीवन के अनुभव की बात बताई, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। आपने वास्तव में ही गुरुदेव और माता जी के पास से जो अनुभव मिले वो हमको बताया, बहुत आनंद आया। आइए
आज हमारा पहला दिन है और आप सब ने परम पूज्य गुरुदेव के बारे में और गुरुदेव की थोड़ी अनुभूति माताजी के साथ बिताए हुए कुछ क्षण हमारी दीदी ने भी बताए, उनका भी आपने स्मरण किया। आपको लगता होगा कि यहाँ बैठकर ये सब सुनना 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 ही है, बोर तो नहीं हो रही है? कुछ ने हाँ बोला और किसी कुछ ने ना बोला है। गरबा आता है? करना चाहते? सुन लो पहले, जब हम थोड़ी देर गरबा, आइए मजा से मस्ती से आज हमने गुरुदेव के लिए कुछ सुना है, तो अपना जो कुछ है हम गुरुदेव के चरणों में अर्पण करेंगे, अपना तन भी अर्पण करेंगे, तन से आ गए हैं, अपना मन भी गुरुदेव को अर्पण करेंगे, और जब बड़े होकर कुछ कमाओगे ना, अपना घर बसाओगे ना, तो कुछ धन भी गुरुदेव को अर्पण करेंगे, तन मन और धन। मर तन मन धन गुरु ना चरणों मा। गरबा करेंगे, एक राउंड बड़ा, इसमें छोटा, इसमें छोटा।